फिल्म वतैया का ट्रेलर रिलीज हो गया है और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई है ट्रेलर को देखकर तो और भी ज्यादा यार। एक तरफ अमिताभ बच्चन और एक तरफ रजनीकांत, इन दोनों को देखकर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज याद आती है, दिग्गज 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 दिग्गज। दोनों अपनी अपनी इंडस्ट्री के किंग है। एक तरफ रजनीकांत जिन्हें फिल्मों का भगवान की तरह पूजा जाता है यार, भगवान माना जाता है, और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन जिन्हें बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। एक तरफ सिनेमा हॉल में इनकी आवाज गूंज जाए ना, लोग थर थर कांपने लगते हैं यार। नाम है शहंशाह। अब बात ये आती है कि जब दो मेगा स्टार एक साथ हैं तो क्या ये मूवी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन के हमारे सामने निकल कर आएगी? क्या ब्लॉकबस्टर बन जाएगी? हम और अंधा कानून जैसी फिल्मों को कल्ट क्लासिक माना जाता है जिसमें इन दोनों को हमने साथ में देखा है। अब सवाल ये आता है कि रजनीकांत साहब और अमिताभ बच्चन साहब वापस से क्या वो वाला मैजिक क्रिएट कर पाएंगे? देखो, इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि अमिताभ बच्चन साहब की थोड़ा टाइम पहले कल की रिलीज हुई थी, और हर किसी ने इस एज में भी जो कमाल का काम उन्होंने किए, जो कमाल की एक्टिंग उन्होंने की है, हर किसी ने उसकी तारीफ की है। सच में यार, उस चीज़ को आप किसी चीज़ से नाप ही नहीं सकते, और उस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो तुम्हें बताने की जरूरत है ही नहीं यार। अब हर कोई देखना चाहता है कि अमिताभ बच्चन साहब की जो नेक्स्ट मूवी होगी उसमें वो कितना कमाल करेंगे। अब बात करूं मैं रजनीकांत साहब की, तो भाई उनकी लास्ट मूवी जेलर थी जिसका बजट 200 करोड़ के आसपास था, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 600-700 करोड़ के आसपास रहा है। देखो यार, अब रजनीकांत साहब अपनी मूवी का प्रमोशन ना भी करें ना, तो वो मूवी अपने आप ही 100 करोड़ कमा जाती है। जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता। ये तो बात तब की है, मतलब रजनीकांत साहब को भगवान की तरीके से पूजा जाता है, और इसके पीछे का रीजन ये है कि उनका उनके फैंस के साथ एक अलग ही कनेक्शन है। उनके फैंस उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो रजनी सर भी अपने फैंस को अपनी कमिटमेंट पूरी दिखाते हैं। देखो, हेल्थ इश्यूज की वजह से रजनीकांत साहब हॉस्पिटल एडमिट थे, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेलर को उसी टाइम पर कल के कल रिलीज किया गया, इसे डिले नहीं किया गया। ये होती है असली कमिटमेंट जो साउथ में सिर्फ रजनीकांत साहब ही निभाते हैं। अब ये एक एंटरटेनमेंट मसाला फिल्म है तो दो बड़े स्टार इसमें हैं, लेकिन इसकी राह पर थोड़ी सी मुश्किलें हैं क्योंकि इस टाइम पर आलिया भट्ट अपनी जिगरा लेकर आ रही हैं, और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जिसमें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी हमें दिखने वाली है। इसके अलावा हिमेश रेशमिया अपनी मूवी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बैड एस रवि कुमार। तो भाई, एक टाइम पर इतनी सारी मूवीज रिलीज हो रही हैं तो क्लैश होता है, तो तुम्हें पता है कि किसी न किसी मूवी पर तो इफेक्ट पड़ेगा, सारी मूवीज पर इनफैक्ट इफेक्ट पड़ता है। जरूरत नहीं है सर, एक हफ्ता बहुत ज्यादा है, 3 दिनों में ही डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा। और फिर जिगरा को ही ले लो, उसकी तो खूब हाइप बनी हुई है। आलिया भट्ट की सोलो फिल्म है, और विक्की विद्या में अभी एक बड़ी हिट दे चुके राजकुमार राव के साथ भी तगड़ा मुकाबला है। अब देखो, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत ये दोनों बड़ी आसानी से 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएंगे। अब अगर देवरो जैसी मूवी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है, तो भाई यहाँ पर तो दो बड़े स्टार हैं, वो भी अपनी अपनी इंडस्ट्री के, तो इनकी मूवी के लिए 100 करोड़ कमाना तो बहुत छोटी बात है यार। और भाई, ट्रेलर को देखकर ये लग रहा है कि पूरी कहानी अमिताभ बच्चन वर्सेज रजनीकांत होने वाली है। रजनीकांत अपने पूरे अन्ना वाले स्टाइल में होने वाले हैं, और यहाँ पर पुलिस का कैरेक्टर प्ले करेंगे और अमिताभ बच्चन साहब वकील का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। जस्टिस हरि इज जस्टिस बेरी। तुम्हें तो पता ही है कि भाई पुलिस और वकील एक दूसरे के एंटी रहते हैं हमेशा। कुछ केस आएगा और केस को लेकर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा वगैरह चलेगा, कुछ इसी टाइप की स्टोरी हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। बाकी सारी चीजें तो हमें मूवी देखने के बाद पता चलेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि एक्शन भरपूर मिलने वाला है। अब बात ये आती है कि जब भी इस टाइप की मूवी रिलीज होती है जिसमें साउथ का एक्टर हो और हमारे बॉलीवुड का एक्टर हो, तो दोनों ओर कंपेयर करके जरूर देखा जाता है। हमने रजनीकांत साहब को बहुत सारी मूवीज में देखा, उनकी लास्ट मूवी जेलर वो भी बहुत बढ़िया एकदम कमाल की थी। हमने पिंक जैसी मूवीज में अमिताभ बच्चन साहब को वकील का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है कि वो कितना कमाल और कितनी कन्विक्शन के साथ अपने डायलॉग बोलते हैं, हिला देते हैं भाई, वो इतने दमदार तरीके से अपने डायलॉग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों में से किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा तकड़ा होने वाला है। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मैं भी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्म को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।